और दाता साहब की नगरी के अंदर जो है चोर बाजारी लगी हुई है। दूसरे शहर से आए हुए जायरीन मौजूद है, उनका किसी ने बटवा मार लिया है और अब वो बेचारे यहाँ पर खड़े हैं। अंदर मैं सलाम कर रहा हूँ दाता साहब, तो किसी ने वॉलेट निकाल ली है, मुझे पता भी नहीं चलने दिया, तो उसमें पैसे भी थे, मोबाइल बच गए हैं, लेकिन वॉलेट ले गए हैं। वॉलेट में डॉक्यूमेंट तकरीबन 4500-4700 रुपया था। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या? डॉक्यूमेंट्स उसमें बाइक के थे और जरूरी कागजात थे, और मेरी वालदा की भी पिक्चर थी। आई वाह, वो सबसे अजीम थी, उनकी पिक्चर थी, उनकी यादें थी, काफी वाबस्ता थी। बहरहाल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गए, जो अल्लाह पाक करता है। शायद अल्लाह ने यही लिखा हुआ था लोहे कलम पे मेरे साथ, ऐसे ही लिखा हुआ था। रिसेंटली 18वें रोजे मेरी मामा फोत हो गई है, 12 रबी अव्वल को मेरा बेटा फोत हो गया, और मेरी वाइफ की भी तबीयत इतनी खराब है। अस्सलाम वालेकुम, तस्वीर मीडिया के साथ मैं हूं आप लोगों के मेजबान निकर लियाकत। नाज़रीन इकराम, मेरे पीछे दाता साहब की नगरी, और दाता साहब की नगरी के अंदर जो है चोर बाजारी लगी हुई है कि लोग जायरीन यहाँ पर आते हैं, दुआ मांगते हैं, अपनी जो है अपनी मन्नतें मुरादें यहाँ पर लेकर आते हैं, दिल की मुरादें पूरी करने के लिए, और इबादत करते हैं यहाँ पर आकर। लेकिन जो अंदर के लोग हैं वो उनके साथ क्या हशर करते हैं? मेरे साथ दूसरे शहर से आए हुए जायरीन मौजूद हैं, उनका किसी ने बटवा मार लिया है और अब वो बेचारे यहाँ पर खड़े हैं, क्या हुआ उनके साथ, उनकी कहानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। क्या नाम है? मेरा नाम है हाजी उस्मान पीरजादा। भाई साहब कहाँ से आए? मैं इधर से ही आया हूँ, लाहौर से, स्कीम मोड़ वाली साइड से आया हूँ। क्या हुआ? अंदर मैं सलाम कर रहा हूँ दास साहब, तो किसी ने वॉलेट निकाल ली है, मुझे पता भी नहीं चलने दिया, तो उसमें पैसे भी थे। नमाज पढ़ के मैं वापस आने लगे रास्ता, तो मैं आगे था, ये भाई पीछे थे, एकदम उन्होंने किसी के ये नहीं पता जेब हार डाला, बस लेके भाग गए। उन्होंने उसमें पैसे भी दे दिए, 25 कर दिए। अब देखे क्या बनता क्या नहीं बनता, कहते पर्चा कटा दो, ये पर्चा ये कागज ले जाए आप, और जाके नया शासी का बनवा ले, बस मोबाइल फोन मोबाइल बच गए हैं, लेकिन वॉलेट ले गए हैं। वॉलेट में डॉक्यूमेंट तकरीबन 4500-4700 रुपया था। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या? डॉक्यूमेंट्स उसमें बाइक के थे और ज़रूरी कागजात थे और कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह थे, और मेरी वालदा की भी पिक्चर थी, और एक वाहिद रियाल भी था एक निशानी के तौर पे। भाई ये बताइएगा, जब आपका बटवा चोरी होता है पैसे तो मिल जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स कितने ज़रूरी होते हैं? डॉक्यूमेंट्स पैसों से ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, पैसे तो रहनी कोई चीज़ नहीं है, तो बाकी पीछे रह गया। वैसे दिल आजारी, मुझे बहुत दुख हुआ है कि सारी जैसे आजमाइशें ही मेरे लिए मुसल्लत हुई हैं या मेरे लिए नाजिल हुई हैं। आजकल मेरा वैसे ही दिल बहुत ब्रोकन हुआ पड़ा, कुछ ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन हुई है मेरे साथ रिसेंटली कि मैं अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। आई हैव नो वर्ड्स एंड नो कमेंट्स। क्या हुआ आपके साथ? रिसेंटली 18वें रोज़े मेरी मामा फोत हो गई हैं, 12 रबी अव्वल को मेरा बेटा फोत हो गया। जवान बेटा था या छोटा? छोटा था। तो अभी मेरा वॉलेट वगैरह, और मेरी वाइफ की भी तबीयत इतनी ख़राब है कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत याब करे, सेहत तंदुरुस्ती दे। मेरे पे ही सारी जो है आजमाइशें अल्लाह ताला ने मसलन, अल्लाह ताला की तरफ से नहीं आती है ये, अल्लाह ताला अपने बंदे को उतना नहीं आजमाता जितना उसका बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता, और खुशकिस्मत है कि अल्लाह ने आपको आजमाइश में डाला हुआ है। ये बताइएगा कि करते क्या है? मैं मार्केटिंग का काम कर रहा हूँ, वाटर टैंक जो है उनकी सप्लाई करता हूँ, राडर टेकर हूँ, कैश रिकवरी ऑफिसर, लोडिंग ऑफ लोडिंग ऑलराउंडर चलता हूँ। कितने पैसे मंथ के कमा लेते हैं? जाहिर सी बात है एक नुकसान हो गया है, तो अब इसको रिकवर करने में टाइम इंशाल्लाह अल्लाह पाक ही रिकवर करेंगे। अभी नुकसान तो देखे ना, एक रुपये का भी गरीब आदमी का होना तो वो 1 लाख के बराबर ही है, तो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह पाक ही मेरे जख्म को रीफिल करेंगे। तो सैलरी पे की शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सब रेगुलर आते हैं? रेगुलर सलाम तो दिल में रेगुलर ही करते हैं, लेकिन आज अंदर गए हैं तो ये सानिया पेश है। दाता साहब आने का मकसद ये है कि आप बाहर खड़े होकर तो अगर सलाम कर लें तो सलाम तो पहुंच ही जाता है, आप महफूज हैं, अंदर जाएं तो चोर बाजारी लगे। चोर बाजारी या देखे ना, यही कह सकते हैं कि यार पता नहीं कौन मुलव्वस है या किसने कहा कि इस टारगेट को चेज करो या अचीव करो, या इस बंदे का वॉलेट स्वेल है या प्रेगनेंसी की तरफ जा रहा है वॉलेट, ओके जेब पॉकेट जो थी मेरी हेल्थी स्ट्रॉन्ग, तो उन्हें पता ही नहीं लगने कार्ड्स रखे होंगे और उनको लगा डॉलर्स।
वल्लाहु आलम अलअज़ीम अना रब्बुल काबा कलम, ये अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं और बेहतर फैसला करने वाले ये तो है। शायद उनको यही लगा हो, लेकिन उसमें वाहिद रियाल ही था, सिर्फ रियाल की निशानी थी। अई वाह, वो सबसे अजीम थी, उनकी पिक्चर थी, उनकी यादें थी, काफी वाबस्ता थी। बहरहाल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गया, जो अल्लाह पाक करता है। शायद अल्लाह ने यही लिखा हुआ था लोहे कलम पे मेरे साथ, ऐसे ही लिखा हुआ कि जब का दुनिया पे आया हूँ और जब का दुनिया से जाने की सोचता हूँ तो मेरे साथ ही ऐसे होता है, लेकिन सफाई अव्वल होता है, लेकिन मैं अव्वल ही मान लाने वाला हूँ। क्यों सोच रहे हैं, क्या वजह है? नहीं, ये दुनिया झूठी है, लोग लुटे रहे हैं, ये वो दुनिया ही नहीं है। मैं तो जावेद ना जिंदगी का मुसाफिर हूँ, मैं इस दुनिया का मुसाफिर नहीं हूँ, मैं कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी का प्लेयर हूँ। तो अभी अगर इधर यहाँ पे ड्यूटी लग गई है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी लगी है। मेरे वालिद साहब का अक्वाल था, अक्वाल जरी था, यार सारी जिंदगी आपने कसरत करनी है, हसरत नहीं करनी, आपने स्ट्रगल करनी है, मेहनत करनी है, कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है आपने। तो कर रहे हैं आखिरी सांस तक इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल बिज़्ने अल्लाह ने रब्बुल काबा कलम, मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, ठीक है। मैसेज यही है कि बर्दाश्त, अल्लाह ने कहे जाते हैं, अल्लाह पाक उन्हें जो पॉकेट मार रहे हैं, जो भी हैं थीफ हैं, वो एंजल माइंड को कम अज़ कम डिस्टर्ब ना करें यार, नहीं तो खुदा की लाठी बे आवाज़ बे सदा, वो आपको पता ही है कि अल्लाह पाक कब जूझ बजूझ का खरूज कर दे या कब उस इमाम का जहूर कर दे जो आपको सीधी राह दिखाए और उल्टी राह से बचाए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन इकराम, आपने भाई की कहानी सुनी, क्या हाल किया है उन्होंने कि उसकी एक वाहिद निशानी उसकी वालदा की तस्वीर थी उसके वॉलेट में, उसको वॉलेट जाने का दुख नहीं है, डॉक्यूमेंट जाने का दुख नहीं है, सिर्फ एक बेटे को अपनी माँ से जुदाई का दुख है कि उसकी माँ की वाहिद निशानी एक तस्वीर थी जो कि वो भी उस चोर ने निकाल ली। अब ये किस गुरब में मुबतला है आप खुद देख सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।